सारामती ट्रैक का जो सबसे खतरनाक पार्ट है वो भी आ गया हमारे सामने, बिल्कुल सीधा जाना है ऊपर। अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और इस समय मैं हूँ थाना मीर विलेज में। मैं जहाँ पुंगरो विलेज में ठहरा था वहाँ से अभी 2 घंटे पहले मैं और लाखम थाना मीर के लिए चले थे और फिलहाल मैं थाना मीर पहुँच गया हूँ और यह है हमारा रहने का ठिकाना। और थाना मीर तक आने में जो वाट लगी है पूछिए मत, क्योंकि सड़क बहुत ख़राब है। रात का समय था, हमने 6:30 बजे शुरू किया था और अभी 8:30 बजे के आसपास पहुँच गए हैं। 2 घंटे लगे और दोनों तरफ घाटी, कुछ पता नहीं चल रहा था और सड़क पे वो पूरे ग्रेवल्स और बड़े बड़े पत्थर बिखरे हुए थे तो काफ़ी डेंजरस था वो। इधर ये है किचन, तो अभी डिनर लेंगे हम लोग और कल सुबह 6 बजे के आसपास या जब भी ये लोग सजेस्ट करेंगे उस टाइम में सारामती के ट्रैक के लिए जाऊंगा। तो सारामती का जो ट्रैक है उसमें 2 दिन लगेगा, टोटल 25-30 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली। और ये है शायद मेरे ज़िंदगी का सबसे टफेस्ट ट्रैक होने वाला है। टफेस्ट इसलिए नहीं कि ट्रैक बहुत कठिन है, ट्रैक तो मैंने देखा नहीं, लेकिन टफेस्ट इसलिए कि हर कोई मुझसे बोल रहा है कि ये ट्रैक काफ़ी टफ है, काफ़ी मेहनत लगेगी। बाकी ट्रैक देख लेंगे, लेकिन यहाँ तक आने का जो रास्ता है ना कोहिमा से पूरा यहाँ तक का थाना मीर तक का, वो वाकई में काफ़ी मतलब एडवेंचरस भी है, डेंजरस भी है और काफ़ी मेहनत लगती है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये ट्रैक वाकई में काफ़ी टफ रहा है मेरे लिए अब तक। और लाखम भाई है यहाँ पे, हेलो लाखम। यस यस हेलो। और ये वाकई में एक प्रो बाइक राइडर है, मतलब ऐसी सड़कों पे इसके लिए मैं प्रो राइडर हूं। उन्होंने बहुत अच्छा चलाया इन्होंने, मतलब ऐसी सड़क पे वो भी रात में, कई जगह तो ऐसी मतलब कुछ पता ही नहीं चला था कहाँ जा रहे हैं। बीच में एक जगह एक गांव है, तो वहां पे कौन सा गांव था, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द विलेज, सलोमी। सलोमी में अंडरग्राउंड का कैंप दिखा हमें, अंडरग्राउंड मतलब NSCNIM का। और उसके बाद फिर जस्ट उसके थोड़ा सा आगे आर्मी वालों ने रोका हमें, वहां पे पूरा डिटेल्स वगैरह दिया, देना पड़ा हमें, कार्ड वार्ड दिखाना पड़ा अपना आइडेंटिटी कार्ड, उसके बाद फिर जाने दिया, पूछा वगैरह। लेकिन फाइनली थाना मीर में मैं आ गया और यहाँ से कल सुबह मैं ट्रैक करूँगा। थाना मीर के बारे में आपको बता दूँ कि ये नागालैंड के सबसे खूबसूरत गांवों में से एक है और इस गांव को एप्पल विलेज कहा जाता है। एक्चुअली इस गांव में सेब की खेती होती है और हर साल यहाँ एप्पल फेस्टिवल भी होता है। सारामती का अगर आपको ट्रैक करना है, माउंट सारामती जो नागालैंड का हाइएस्ट पीक है अराउंड 12,600 फीट के आसपास, तो उसके लिए आपको थाना मीर आना पड़ेगा और थाना मीर ही बेस कैंप है सारामती ट्रैक के लिए। बाकी अभी ये डिनर लग गया है हमारा, तो खाना खा लिया जाए। तो अभी मैं ट्रैक शुरू करने वाला हूँ और ट्रैक शुरू करने से पहले ये सारा सामान खरीद लिया गया है। एक्चुअली जब ये थाना मीर विलेज से आप शुरू करेंगे और बेस कैंप तक जाएंगे तो बेस कैंप में आप एक रात रुकते हैं, क्योंकि एक दिन में ये ट्रैक पॉसिबल नहीं है, 2 दिन लगता है। तो बेस कैंप में आप एक रात रुकेंगे तो वहाँ पे खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं है, बस एक मकान जैसा बना हुआ है, आप उसमें रुकते हैं। तो उसके लिए आपको अपना स्लीपिंग बैग और ये खाने पीने का सामान साथ में लेके जाना होगा। तो हमने ले लिया है, चावल है, आलू है, प्याज है, कुछ नूडल्स हैं, तेल, दाल, दूध, चाय पत्ती, तो ये सारी चीज़ें रख ली गई हैं, नमक। तो रात में ये खाना बनेगा वहाँ पे। और पानी का सिर्फ एक ही बॉटल मिला है, पानी और लेना पड़ेगा, गांव में था नहीं।
और यहाँ से बेस कैंप जाने में लोकल लोगों को लगता है 3 से 4 घंटा, मुझे पता नहीं कितना लगेगा। कई लोग कहते हैं कि 10 घंटा भी लगता है, कई लोगों को 8 घंटा लगता है। मैं देखता हूँ मुझे कितना टाइम लगता है, तो शाम तक मैं पहुँच जाऊँगा 6 बजे तक, और उसके बाद फिर वहाँ रात में खाना वाना खा के आराम करके फिर रात में 2 बजे टॉप के लिए, जो सारामती पीक है वहाँ के लिए ट्रेक करूँगा, और कल ही वापस यहाँ थानामीर में आ जाऊँगा। सो अभी बज गए हैं 10, 9 बजे ट्रेक शुरू करना था, 1 घंटा लेट हो गए हम लोग, तो 10 बज गया अभी और अभी ट्रेक शुरू हो गया है। कितना टाइम लगेगा मैं आपको अपडेट करूँगा। दिस वे, तो ये 2 गाइड मेरे साथ हैं। ये ट्रेक आप कैसे करेंगे, क्या इसमें खर्चा होगा, कैसे रास्ता है, क्या सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने आज तक कभी डंडा यूज़ नहीं किया, आज तक हमेशा ऐसे ही गया हूँ। थोड़ा आराम है तो ये, हाँ धीरे धीरे ना, बस सपोर्ट के लिए। चलो देखता हूँ आज लेके। बहुत सारी चीज़ें आज पहली बार हो रही हैं, डंडा पहली बार ले रहा हूँ ट्रेक करते समय, और आज 9 बजे चावल खा लिया था, भात, तो नागालैंड में बहुत कॉमन है, आप सुबह सुबह भात खाएंगे, उसके बाद सीधे शाम में फिर भात खाएंगे, दोपहर में मन करे तो फिर भात खाएंगे। तो मैं जनरली जब ट्रेक करता हूँ तो बस वही हल्का सा कुछ, जैसे 1 कप चाय और टाइगर बिस्किट 1 पैकेट, और मैं आराम से 4-5 घंटा चल लेता हूँ। और एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे पहुंच गया मैं, वाह, दैट वन इज सारामती, हाँ नो इसका ऊपर है, उसके भी आगे। तो 2 घंटे हो गए चलते हुए तकरीबन, और जहाँ मुझे जाना है वो जगह देखिए कहाँ पे है, ये जो सामने चोटी दिख रही है उसके भी आगे है, और अभी बादलों में ढकी हुई है वो चोटी माउंट सारामती की। अभी पूरा चढ़ाई था, अभी यहाँ से बिल्कुल उतराई है, उस जंगल में जाएंगे, फिर वो चढ़ेंगे, फिर वो चढ़ेंगे, फिर वो चढ़ेंगे, अभी सफ़र काफ़ी लंबा है। वाओ, चारों तरफ सिर्फ पहाड़ ही पहाड़। That one is Saramati, right? Yeah. In the clouds. Yeah. वो है सामने सारामती, जहाँ पे बादल नाच रहे हैं, और ऐसे जाना है, वैसे जाना है, वहाँ जाना है, वैसे जाना है, उस पहाड़ को क्रॉस करना है, तब वहाँ पहुँचना है। Just try here, like this.
सारामती ट्रैक का जो सबसे खतरनाक पार्ट है वो भी आ गया हमारे सामने। ये आपको चट्टान दिख रही है, इस चट्टान को बिल्कुल ऐसे चढ़ना है और ये बिल्कुल सीधी खड़ी चट्टान है, कम से कम 40 फीट के आसपास होगी मेरे ख्याल से, 40-50 फीट के आसपास। तो यहाँ डंडा भी फेंकना पड़ेगा और फिर से नया डंडा बना लेंगे, जंगल में डंडे की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये वाकई में बहुत टफ है। ये भाई सीधा जा रहा है, आपको लग रहा होगा कि कैसे जा रहा है, इतना आराम से, इसकी आदत है। चट्टान कैसी है, बिल्कुल सीधा जाना है ऊपर। काफ़ी बारिश होने लगी है तो उनके पास जो पन्नी थी उसको हाफ हाफ डिवाइड कर दिया। अभी यहाँ से 1.5-2 घंटे का और रास्ता बाकी है, लग रहा है 4 बज जाएगा, तो 6 घंटे लगेंगे ही लगेंगे कम से कम। बाकी भूख लग रही है बहुत तेज। इस ट्रैक में सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि आपको इतना शानदार जंगल देखने को मिलता है, एकदम बिल्कुल जिसको आप कह सकते हैं वर्जिन फॉरेस्ट। इधर कम लोग आते हैं तो अभी भी खूबसूरती बहुत अच्छी है। दूसरी चीज़ ये है कि ये ट्रैक, जैसे हम लोग उत्तराखंड हिमाचल और बाकी ट्रैक करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब आप जाते हैं तो आप सिर्फ चढ़ाई करते हैं, लौटते वक्त आप आश्वस्त रहते हैं कि चलो इस बार थोड़ी सी मतलब मेहनत कम करनी पड़ेगी, लेकिन ये ट्रैक ऐसा नहीं है। यहाँ पे 60-40 का रेशियो है, 60% चढ़ाई है फिर उतराई है 40%, तो जब आप लौटेंगे तो आपको फिर से वही काम करना पड़ेगा। तो आप ये देख लीजिए कि आप आते में जितना थके हैं, जितना आपको टाइम लगा है, ऑलमोस्ट उससे 1-2 घंटा कम लगेगा, लेकिन जाने में भी आपको उतना ही रहेगा। गजब की उतराई है यार, एकदम बिल्कुल स्टीप, और मेरा घुटना है ख़राब दाहिने पैर का, उस वजह से और दिक्कत हो रही है, ज़्यादा मैं वेट रख नहीं सकता तो मुझे बैठ बैठ के उतरना पड़ेगा। तभी जैसे ही मुड़ा एक अच्छी चीज़ दिखाई दी, वो देखिए सामने, वो है बेस कैंप। वाओ, फाइनली कम से कम दिखाई तो दिया, अब भले जाने में जितना भी टाइम लगे धीरे धीरे आदमी पहुंचेगा वहां तक उसको देखते हुए। आधा घंटा लगेगा लग रहा है ऐसा, लेकिन क्या ही शानदार जगह में बना हुआ है। सोचिए पूरा पहाड़, क्या देखिए चारों तरफ से पहाड़ पहाड़ पहाड़, बड़ी बड़ी चोटियां और एक छोटा सा घर। फाइनली मैं बेस कैंप पे आ गया, माउंट सरावती बेस कैंप, एलिवेशन 2840 मीटर्स, कंस्ट्रक्टेड ऑन
फरवरी 2020, तो सवा साल डेढ़ साल पहले ही बना है ये, सपोर्टेड बाय टाटा ट्रस्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नईदा। नईदा यहाँ पे एक गवर्नमेंट सॉरी नईदा यहाँ पे एनजीओ है एक, जो टाटा ट्रस्ट के थ्रू फंडेड है। स्लिप हियर, तो ये रुकने का है और वो किचन है, इसको देखता हूँ। क्या बनवाया है रुकने का, सिर्फ घास फूस बिछा हुआ है, कुछ है नहीं, गंदगी है। तो 7.5 घंटा मतलब लगा लीजिए 7 घंटा लगा, और फोटो वोटो खींचते वीडियो बनाते रुकते रुकाते। और अभी थोड़ी देर पहले इस पहाड़ को क्रॉस किया था हमने, वहाँ से तो नहीं, यहाँ से क्रॉस किया था। पहाड़ दिखने में छोटे लगते हैं कई बार, लेकिन जब आप ट्रैकिंग करो तो आपके औकात बाहर कर देंगे बिल्कुल। चलिए किचन में चला जाए, चाय पी जाए, थक गया हूँ मैं, दाएं पैर के घुटने में दर्द हो रहा है। कल पहाड़ चढ़ के, कल माउंट सरामती ट्रैक करके यहाँ आके और फिर वापस जाना है, मतलब कल 20% एक्स्ट्रा, 40% एक्स्ट्रा ट्रैक होगा ना, 40%। ये है किचन, बाकी रुकने का कमरा आपने देखा ही नहीं, सोने वोने का कुछ बहुत वैसा है नहीं, बहुत क्या सिंपल भी नहीं है, लेकिन उसी में रहना पड़ेगा। चलिए चाय वाय पी जाए। अब दिस इज व्हाट यू कॉल इट, व्हाट इज द नेम, रमपम नूडल, नूडल नेम ऑफ द नूडल, दिस इज रमपम, एक नूडल है इसका नाम है रमपम ये है। और इसको ऐसे जो पत्तियाँ होती हैं उसके साथ मिला के बनाया गया है, तो रात में हम लोग यहीं पे सोएंगे। और ये पूरी लकड़ी ला के रख दी गई है, रात भर ये जलते रहेगी और हमें ठंड नहीं लगेगी, बाहर बहुत ठंड है, पूरा मुंह से भाप निकल रहा है, तो यहीं पे सोऊंगा मैं। तो यहाँ किचन में मोटी मोटी लकड़ियाँ ये ला के रख दी गई हैं, ये देखिए इतनी बड़ी लकड़ी है ये, उसके ऊपर एक लकड़ी है, और यहाँ ये तख्ते पे मैंने अपना बेड लगा लिया है, ये नीचे एक बोरा है और उसके ऊपर स्लीपिंग बैग है, बस बैग सिर के पास रख लूँगा। एक भाई यहाँ सोएंगे इस तख्ते पे और एक भाई उस तख्ते पे सोएंगे। तो यहाँ ये किचन में आग जलते रहेगी तो ठंड नहीं लगेगी, बाकी उधर काफ़ी ठंड है, तो यही है ठिकाना फिलहाल। तो 6 घंटे सोना है, फिर कल 12-14 घंटे चलना है।